बीज का अलग फ्लेवर आया, जो प्याज है तड़के वाला उसका अलग फ्लेवर आया, जो ऑयल उन्होंने तरी पर डाली उसका अलग फ्लेवर आया, और जो हलीम है ना उसका अलग फ्लेवर आया। आओ चलो पोक लेने। मैं कह रहा हूँ जी अनारकली जाते हैं, ठीक है? अनारकली ये कह रहे हैं बात कर रहे हैं। हलीम है। लो जी मैं भी हलीम। चलो। ओए, ओए। ठंड बहुत लग रही है, ठीक है? गर्म टोपी पहनी है, गर्म गर्म कुलचा साथ गर्म गर्म शोरबा डिप करके खाएंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। ओए ओए। तो जी ये ओए भाई थले जा अपने मोटरसाइकिल छोटे स्टैंड से लगी यार मुझे दुख देना छोड़ दें। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, ताड़ी मेहरबानी। ये पाया होता है ये पाया लाल बोटी होती है। ये लाल बोटी है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजांग बाज़ार के अंदर, जहाँ पर मैं एक बार पहले भी आया था जब मैंने यहाँ से रजाक के भटूरे खाए थे, उसके बाद हम यहाँ पे लब्बा के पास लस्सी भी नहीं आए थे। और लब्बे के बिल्कुल साथ है कुल्ला सीरी पाए वाला, तकरीबन 100 साल पुरानी जो दुकान है यहाँ से पूछे बहुत ज़्यादा, इन्होंने कहा कि आप आएँ तो मैं यहाँ पर विजिट करने आया हूँ। लेकिन आज मैं अकेला नहीं आया, जैसे कि मैं हर दफ़ा अकेला नहीं आता, हर दफ़ा मेरे साथ होता है मेरी निक्की खाला का निका मुंडा, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ है बिलाल बीइंग अ ट्रैवलर। अगर आप पाकिस्तान को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं तो इनका चैनल है बीइंग अ ट्रैवलर के नाम से यूट्यूब के ऊपर। सारा बता दिया इसने, अब मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं रही है। लो जी बिलाल आजम मेरा नाम है, बीइंग अ ट्रैवलर के नाम से मेरा चैनल है। तो मैं ज़्यादा ट्रैवल को फोकस करता हूँ, लेकिन लाहौर ही बंदा जो है आपको पता पेट फोड़ तो फिर बीच में आ ही जाता है, पेट मजबूरी और मजबूरी पेट तो आपको पता मजबूरी है। तो मैं इस वक्त अपनी लाहौर की एक सीरीज़ शूट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार क्यों ना किसी जगह पर जाके सुबह सुबह नाश्ता खाते हैं, तो मैंने कहा अपने लाल ब्लॉगर को क्यों ना सेलेक्ट करें, किसी पागल को साथ ले जाते जो मैंने कहा हलाल जगह हमें दिखाएगा, जरा इसके साथ चलते हैं। और आज जरा सुबह सुबह जो है ना वो लाहौर की जो है ना ठंड बहुत है भाई, ठंडी ठंडी ठंड में और गर्मा गर्म नाश्ता करें। ये रोड सीधा आ रहा है मजांग गड्ढे वाली साइड से अंदर, ये वही जगह जहाँ से पहले हमने रजाक के भटूरे ट्राई किए थे और सुबह सीधा अंदर आ गए थे। और आगे जो था ये लब्बा लस्सी वाला है, लब्बा लस्सी वाला से बिल्कुल साथ ही कॉर्नर के ऊपर है अल मशहूर कुल्ला सीरी पाए। ये तकरीबन 100 साल पुरानी शॉप है, लेकिन ऐसा ये कहते हैं, चेक कर लेते हैं जाके इसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू। अच्छा जी, सही नाम की तड़ा मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास और पप्पू। अच्छा, ये कुल्ला सीरी पाए वाला जो है ये भाई है मेरा बड़ा भाई थे आपके, अब हैं वो होते हैं? नहीं फोट हो गए हैं, 12 साल हो गया मुझे यहाँ बैठ गए। अच्छा, यह हमारी चौथी पीढ़ी आ रही है। अच्छा, मेरे दादाजी की, मेरे वालिद साहब की और मेरे भाई की, और चौथी जगह पे आके मैं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पीढ़ी तीसरी है लेकिन आप बंदे चौथे होंगे। हाँ ठीक हो गया, दादाजी फिर वालिद साहब और फिर आप दोनों भाई भाई बैठा, सही हो गया। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं आपको ऐसे क्या क्या है ये? सर ये और मगज भी होता है आपको? अच्छा जी, ये मगज यार सर्दी की सुबह है, एक इधर भी अलग से मतलब एक अलग वाइब्स आ रही है, इधर की ठंडा ठंडा मौसम है और साथ में ये देखो धुआं निकलता हुआ इस पतीले में से, गरम गरम सालन है इसके अंदर। ओह हो यार कमाल माशाल्लाह, ये क्या चीज़ यखनी बना के रखी हुई है? ये शोरबा होता है, यखनी का होता है ये शोरबा। अच्छा ठीक है, गर्म दो फार। अच्छा जी, ये इनका सेटअप है, ये लगा हुआ और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये सामने है नान अल मदीना नान शॉप। इधर नान लग रहे हैं गरम गरम, 5 मिनट के लिए इमेजिन करें, सख्त सर्दी है, हाथ फ्रीज हुए हुए हैं, नाक सुर्ख हुआ हुआ है, ठंड बहुत लग रही है। ठीक है, गर्म टोपी पहनी है, गर्म गर्म कुलचा साथ गर्म गर्म शोरबा डिप करके खाएंगे। की खुआ रहे हो सर? तन मेरा ना पाया खिला दे। खुआओ पाया में। लो जी ये पाया आ गया। अरे गर्म कुलचा फड़ो ए। ये चीज आ गया पाया। चाची कोई नली नुली आए तो वो भी पा दे, नली भी आ गई, छुट्टो जरा उत्ते इंज करके। ये आ गई नली, हुन इन्हां नूं आउदा शोरबे नाल। अच्छा जी, साडा थोड़ी जी बोटी थोड़ी लाल बोटी पाती सर? लाल बोटी भी तुहानूं पा के दिंदे? नहीं नहीं बस ठीक है,
जो नहीं लाल रहन दियो लाल रहन दे बस चिट्ठी पा दे नली बकरी दी थी नहीं सर बोंग दी सी ये आ गया काली मिर्च जी सर बेहतरीन हो गया ये देखो नान ये हमारा लश किस्म का रेड कलर का नान है ये छोटा है ये बड़ा है ऐ पुत्र फर्क क्या है जी ये मदरा है ये ठंड के अभी करने करवाया भाई ठंड के ये देखो जी ये है ये फर्क मदरा, है हां ये मदरा लगवाया मैंने और ये इसको कहते हैं ठंड के आपने लगवाया हां हां ठीक हो गया ठीक है जी ठीक है अच्छा यार इसमें ना शोरबे में ना वैसे ये नान ये वाला चलता है क्योंकि ये वैसे ये भी है ये जो किनारा था ना ये देखो ये जो किनारा ऐसे खोल के ना ये डोई बनानी है इसमें जब शोरबा जाता है ना वो जज़्ब हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही ये देखो यार यार मंडी इतनी है यार मैं कह रहा हूं कोई बोटी लाओ जी ये सिंपल जो है ना पहले इसकी ये मिक्स के साथ ये नली वाली बोटी साथ में थोड़ा शोरबा लेते हैं सर मैंने कहा था गर्म नान सर्दी के मौसम में गर्म गर्म शोरबा इसमें लाए वाला बनाते हैं आतिफ भाई है मेरे एक दोस्त के बहनोई है आतिफ कुरैशी इज इन कनाडा उन्होंने मुझे कहा कि लाहौर के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सिरी पाए खुला सिरी पाए इंटरनेट चुप कर जो बात जी ये शोरबे की डुबकी लगानी है आपने बट ठीक है तुम उतों जाओ तुम उतों वापस आओ मैं बाइक लै दे पहुंच गया मैं कितने और हां ठीक है यार ये देखो ये पाएगी बोटी आ गई है और ये कमाल यार मजा इसको हम डिप करेंगे शोरबे के साथ ऐसे करके ये देखो ये पाया ये सही मजा सारा इसका था शोरबे के अंदर ये देखो ये यार बहुत ज़्यादा अंकल कह रहे हैं वो पाए जो नवाज शरीफ खाता रहे अल्लाह खैर ही करे बात नवाज शरीफ ने पावे शावे खाते ने बहुत खाते ये हाँ जी इधर देखो जरा शर्मिंदगी हुई थोड़ी जैसे सोचा था ना उससे बहुत अच्छे है भाई बहुत आला हम कहाँ जा रहे हैं यार पहले मैंने दादा तेरे को मैं मशवरा लेना कि तेरे को चंदा देना अच्छा हम लोग अब रिवाज गार्डन की तरफ मूव कर रहे हैं कहाँ रिवाज गार्डन जाना है कहाँ जाना है जिथे ले जाओगे चला जाओ पुग ना लिए आओ पुग लिए आओ चलो पुग लेने मैं कह रहा हूँ जी अनारकली जाते हैं ठीक है अनारकली ये कह रहा रिवाज गार्डन अनारकली लीम है लो जी मैं भी लीम चलो ओए ओए हलीम जी डन दो बंदे एक बस हो गए हलीम अच्छा जी अभी हमने यहाँ से इनके सिरीपाए ट्राई कर लिए बहुत कमाल के सिरीपाए हैं जैसा मैंने सुना था जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे हैं मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि छोटा सा सेटअप है छोटी सी दुकान है ज़्यादा रश भी नहीं है लेकिन जो खाने वाले हैं उनको पता है कि यहाँ पर टेस्ट है इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं एक दफ़ा आके इसको ट्राई कर लें अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमने पुग लिया है और ये जीते हैं पुगने में और हलीम खाने जा रहे हैं भैया जी के पास काफ़ी पहले मैं एक दफ़ा उनके पास गया था गुजरते हुए अचानक मुझे नज़र आया था तो अभी मैं दोबारा उनके पास जाना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अर्से मैंने वो हलीम नहीं खाई तो अभी हलीम खाने में जा रहे हैं अभी हम आ गए अनारकली के अंदर अनारकली मेन बाज़ार है ये सब सारा बंद पड़ा हुआ है अनारकली की जो माल रोड से एंटर होते हैं तो शूज़ मार्केट है सारी यहाँ पे उसके दरमियान में ये सेंट ये देखो ज़मीन पे ये भाई लगा के बैठे हुए हैं भैया जी हलीम वाले हैं ये जी सामने मेन रोड है जो माल रोड से एंटर हो रहा है वो सामने पुरानी अनारकली और ये पुरानी अनारकली के बिल्कुल सामने माल रोड क्रॉस करके अनारकली स्टार्ट होता है यहाँ पे ऊपर ये हवेली है पुरानी ये मूलचंद हवेली है पार्टीशन से पहले के ज़माने की है थोड़ा आगे आएँगे तो ये नीचे ज़मीन पर ये फर्श पे लगा के बैठे हैं अभी इनके पास चलते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है क्या आपका नाम मैंने उस दिन नहीं पूछा था मेरा नाम है नईमुल इस्लाम नईमुल इस्लाम माशाल्लाह आपके ये किसने शुरू किया था आपने मुझे पहले वालिद साहब ने शुरू किया था वालिद साहब ने शुरू किया था भैया जी हलीम के नाम से ना तो ये कितना पुराना सेटअप आपका ये 56 साल हो गए 56 साल हो गए और शुरू से इधर ही बैठे हुए वालिद साहब मेरे होते थे ना कभी इधर बैठ गए जिसने जिसका दिल किया उसने दुकानदार ने कहा यार लिमका नहीं उसके पास बैठ गए अच्छा कभी कहीं बैठ गए कभी कहीं बैठ गए साइकिल पे होते थे नहीं ऐसे ही छाबा सिर पर रखे जाते थे अच्छा छाबा सिर पर रखे जाते थे वो यहाँ पे हम छोटे होते देखते थे सुबह सुबह भैया अभी आया भी नहीं आए भी नहीं होते थे हाँ। गाड़ियों वाले आगे खड़े अच्छा हुए होते थे।
और भैया जी का वेट कर रहे होते थे, भैया इनके जो वाले साहब थे उनका क्या स्टाइल होता था, तो आज ही अंदर से चलते आते थे देश की सर के ऊपर उठाए हुए और इधर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो फिर वो कुछ ऐसी वो होगी बात के स्कूल पे रहे, सेंट ब्रांड स्कूल में भी लगाते थे बच्चों का स्कूल था। अच्छा, सुबह वहाँ पर नाश्ता बच्चों को कराना, हाफ नान के ऊपर लाइब्रेरी। अच्छा, जो चलता था पहले। हाँ, उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ जगहों बैठते थे। अच्छा, तो कुछ अरसे से जो है ना, कोई 31 साल से वो फिर यहाँ पे मुस्तकिल दुकानदार कहने लगे यार आप फिरते रहते यहाँ बैठ जाएगा, तो फिर यहाँ बैठ वो बैठ गए। टाइमिंग आपकी क्या? टाइमिंग सुबह मैं सर्दी में आता हूँ 7 बजे तक तकरीबन, आज तो 7:10 तक और 11:30-12 तक, और गर्मी में जो है ना 5:30-6 वापसी मेरी है ना 9:30-10। यानी आप फजर के बाद आते हैं? हाँ जी हाँ। और 5-6 घंटे चलता है? 4-5 घंटे चलता है। हाँ, नान भी होते हैं। ये तरी, ये चेक करो, आया है ये बड़ा प्याज का तड़का लगा हुआ इसका। हाँ जी, ये प्याज का तड़का लगा, ये साथ गरम मसाला, नमक डाला है ये भाई, नमक है। अच्छा अच्छा, ये आपके पक्के गाहक हैं? हाँ जी, गाहक का पता है। आ रहे हैं जी, बताएंगे 15 साल हो गए हैं। यानी आपने इनके वाले साहब को भी देखा होगा? हाँ जी, इनके वाले साहब से हमें स्कूल में भी खाते थे। अच्छा अच्छा, सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर लगाते थे। हाँ माशाल्लाह। कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। पहले कौन बनाता था? आपसे पहले? पहले मेरे वाले साहब। तो हाथ चेंज हुआ है ना? हाँ, हाँ, लेकिन जायका वही है, वही है। ये बात, ये जी हलीम है, अगर किसी ने मुझे 30 रुपये भी दिए ना कि यार एक नान खाना तो खिला दिया। अच्छा, रब खा नहीं है यार, रब की मखलूक खुश हो गई, रब खुश हो गया बस, इसलिए मुझे लेके निकले। अच्छा, 30 रुपये में नान भी देते हैं और हलीम भी देते हैं? हाँ दे देता हूँ, जो बस ने यार बेचारा किसी परेशानी में है तो उसने मुझे 30 रुपये दिए ना। हाँ, वरना वो भी खा सकता ज़्यादा। सही सही सही। वैसे आप जो है वो 60 रुपये की देते हैं? वैसे प्लेट 60 रुपये की, वैसे प्लेट 60। अच्छा जी, आप हमारे लिए जो है ना एक प्लेट बना दें, हम बोटी डालेंगे। बोटी डाल दें बस। बोटी आ गई? नहीं, बोटी नहीं है ये। अच्छा, बोटी लादा भी होती है यार? बोटी भी दे देंगे, होती है बोटी भी, वो उनके भाई को दी है ना। ये ले जी आप, ये आ गई बोटी, ये बोटी वाली आ गई। ठीक है जी, आपकी बोटी भी आ गई और ये आ गया काली मिर्च, गरम मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च नहीं, ये कोई चाट मसाला है, काली वाला या चाट मसाला है? हां, ये काली मसाला, काली मिर्च, गरम मसाला, टाटरी, गरम मसाला, कुछ नहीं होता, लोग इस्तेमाल करते हैं टाटरी भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी थोड़ी ज्यादा पाव है। चलो ये थैंक यू भाई। नहीं पूरी डाल गई है। आओ चलो यार, ये चौकी भी आया था, चौकी पे बैठे खा रहे हैं। लो जी, मैं आपके लिए नान लेके आया हूं। यार बैठ रहा कैसे? ओए एक मिनट, ये देख यार, ऐसे ऐसे ठीक हो गया। लो जी भाई, पहले हम तोड़ेंगे वो नरम, और थोड़ी सी हम डालेंगे तरी, और तरी के साथ ऊपर मसाले वाली हरी। तो ये हमारी कौन सी बाइट? ऑप्टिमम बाइट। हाँ, ऑप्टिमम बाइट है, सिग्नेचर है। बचपन याद आ गया यार, है ना, स्कूल वाली, वाकई स्कूल वाली ली है, बचपन याद आ गया। ये पहली बाइट हम इसकी ऑप्टिमम ही लेते हैं। यहाँ पे ये आ गई बोटी बीफ की, ये इसके अंदर थोड़ी सी बोटी आ गई है, ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ी सी हलीम इसके अंदर भरते हैं, ये ठीक हो गया, और थोड़ा सा इसके अंदर से मसाला यहाँ से ले लेंगे, ये मसाला भी आ गया। तो दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ हलीम। ये मेरे मुँह में जाने से पहले मेरे मुँह में पानी भर गया। इसमें लाने वाला यार, इसमें ना तीनों चीज़ों का, चार चीज़ों का अलग अलग फ्लेवर आया। बीफ का अलग फ्लेवर आया, जो प्याज है तड़के वाला उसका अलग फ्लेवर आया, जो ऑयल इन्होंने तरी ऊपर डाली उसका अलग फ्लेवर आया, और जो हलीम है ना उसका अलग फ्लेवर आया। अच्छा, इसमें जो मज़े की चीज़ यह है ना कि जो ऊपर तड़का है, हाँ, जो प्याज के अलग है, वो उन्होंने जितना भी फ्लेवर है ना उनका अपना अपना तेज फ्लेवर, हाँ, है, अपना अपना फ्लेवर है। बिलाल दी टेड से फूडी, बिस्मिल्लाह, दुआ करें मुझे भी पसंद आ जाए। नहीं आई तो क्या करेंगे, जबरदस्त। मुझे अंदाजा नहीं था लेकिन मैं कहता हूँ कमाल। चलो जी, अभी हमने यहाँ से हलीम खा ली है, हलीम बहुत आला थी, बिलाल ने भी खा ली, और स्पेशल थैंक्स टू उसैद भाई
उसैद भाई ने आप हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी इस जगह के बारे में, यहाँ के जद्दी बुश्ती रहने वाले हैं, इनके ताया जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, वो भी कमाल के इंसान हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के रहने वाले। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, चाय पीनी है और चाय के बगैर मेरा नाश्ता कम्प्लीट नहीं होता। वही पिलाते हैं आप कुछ है? कहाँ से? पुरानी नारकली की दूसरी तरफ जाएंगे। हमारा प्लान है आसिफ से चाय पीने, आसिफ से चाय पियेंगे, आसिफ के पास चलते हैं। अभी हम आ गए हैं चाय पीने, आसिफ साहब बंद है, आसिफ की कंटीन बंद थी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं पुरानी नारकली चौक के अंदर, चौक के अंदर मेरी बैक साइड पे है शहबाज होटल, शहबाज टी स्टॉल, इससे हम चाय पियेंगे। ये बिल्कुल यासिर होटल और रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ है ये, और ये सीधा रोड जो है वो सीधा आगे जा रहा है सेक्रेटरीट की तरफ, और इस तरफ जो अपोजिट साइड पर है ये जा रहा है AG ऑफिस की तरफ। तो यहाँ पे हम खड़े हैं चौक से थोड़ा सा पीछे की तरफ, यहाँ से चाय पीते हैं। तो जी ये ओए भाई थले जा अपने मोटरसाइकिल छोटे स्टैंड से लगी चलो चलो। हाँ जी चाय आ गई मैं बस, अच्छी चाय है, मीठी चाय है, तो मीठी होती है बहुत ज़्यादा मीठी है भाई। अच्छा क्यों करवाई है, इसे कहते हैं रोक के इसको कहते हैं ट्रकों वाली मीठा रोक के पत्ती ठोक के, ये कहना था, कहना भूल गए हम, हम ये कहना भूल गए। मीठा ठोक के पाता है उन्हें, मीठा रोक के पाता है पत्ती, उन्हें पत्ती ठीक है, दूध भी रोक के पाया। हाँ ठीक है, मजे की चाय। कितने का भाई? 30-40 रुपये का भाई जान। चाय एक कप कितने का है? कितने का एक कप है? 35 का है, 35 का एक कप है भैया ये। हाँ और ये वीडियो जो है ना हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, नो दिस इज़ नॉट, बट दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सा ऐसा कंटेंट इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसा मौजूद है जो आप वीडियो में अगर नहीं देखना चाह रहे तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर इसको देख सकते हैं, इसी लिए इंजॉय कर सकते हैं। और जो मीटअप्स होते हैं, जो किसी सिटी में अगर मैंने जाना होता है या कुछ अगर हमने इवेंट्स करने होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंसमेंट होती है। वहाँ पे मैं लाइव भी जाता हूँ, आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं, आप मुझसे गपशप भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, घंटी पे भी उंगली दबा देना, घंटी के बटन पे भी क्लिक करना नहीं भूलना। स्पेशल थैंक्स टू बिलाल भाई, ये आज आए, हमने गपशप की, अच्छा रहा हमारा, मज़ा आया ना आपको, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। इनका चैनल भाई मुझसे बड़ा चैनल है, बड़ा यूट्यूबर ना यार, बड़ा यूट्यूबर देन मी, तो बड़ा चट्टान हो, बड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है इनका। तो भाई डू सब्सक्राइब हिज चैनल ऑल्सो। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझे एकदम से पीछे बच्चा भागता हुआ आ गया, बिग फैन ब्रो, बिग फैन ब्रो, और ये है वो बच्चा। क्या नाम है आपका? जैन। और क्या करते हो आप? मैं आजकल पढ़ रहा हूँ 9th क्लास के पेपर देने। आजकल पढ़ रहे हो, वैसे क्या करते हो? पढ़ते ही हो ना, ठीक हो गया। जैन यार ये मैं भी खड़ा आ गया था, तो आप कब से देख रहे हो मेरा चैनल? मैं आई थिंक तकरीबन 5 मंथ से फेसबुक पे जब शॉर्ट्स आते हैं आते हैं। चलो ठीक है जी, गुड लक, थैंक यू फॉर कमिंग। बर्थडे आ गए ना उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई ना गरीब बंदा वेख के इमदाद करते जाना है, कर दियो सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है, ठीक हो गया।